गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश का बुक वर्क कर रहे थे, पेज नंबर 16। डेट डाल लीजिए आज की 20 मई 2020। ओके, करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। रेफर टू द लेसन एंड राइट द फॉलोइंग इन राइट ऑर्डर। लेसन की स्टोरी देखते हुए हमें इन पॉइंट्स को उनके ऑर्डर में लिखना है जैसे वो स्टोरी में आए थे। स्टोरी टाइम, लंच टाइम, प्ले टाइम। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आया था? क्या आया था? प्ले टाइम, PLAY, प्ले, TIME, टाइम। सबसे पहले क्या आया था? प्ले टाइम। उसके बाद क्या आया था? लंच टाइम आया था कि स्टोरी टाइम आया था? लंच टाइम। क्या आया था? लंच टाइम, LUNCH, लंच, TIME, टाइम। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या आया था? स्टोरी टाइम, STORY, स्टोरी, TIME, स्टोरी टाइम। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे प्ले टाइम, लंच टाइम, स्टोरी टाइम। डन, नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज है कंप्लीट दीज सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं अपने आप के लिए, अबाउट योरसेल्फ, कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, किस टाइम क्या करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आई गेट अप। आप कितने बजे उठते हो? कितने बजे उठते हो? स्कूल जब जाते हैं तो 6 o'clock तक हम नॉर्मली उठ जाते हैं। ठीक है, आई गेट अप 6 o'clock, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। माई स्कूल बस कम्स एट - मेरी स्कूल बस कितने बजे आती है? 7:20 पर आती है मेरी। तो आपकी कितने बजे आती है, आपने वो लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप के लिए भरना है ना, तो जिस टाइम होता है करते हैं वो ही करना है। आप 6 बजे उठते हो तो 6 बजे लिख दीजिए। आपकी स्कूल बस 7:20 पर आते हो, 7:20 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आई लाइक - मोर देन सिंगिंग। मुझे सिंगिंग से ज़्यादा क्या पसंद है? आई लाइक पेंटिंग। मुझे तो पेंटिंग पसंद है सिंगिंग से ज़्यादा, तो आपको क्या पसंद है आप वो लिखेंगे। - हेल्प मी विद माई होमवर्क। कौन मेरी हेल्प करता है विद माई होमवर्क? मम्मी। मम्मी हेल्प करती है ना। अगला एट आवर स्कूल वी हैव लंच ब्रेक एट। हमारे स्कूल में लंच ब्रेक कितने बजे होता है? 11:20 AM, 11:20 AM। आज हम सिर्फ यहीं तक ही बुक वर्क करेंगे। ओके, और आपने सही से साफ साफ करना है। बाय।